रामपुर की सियासत एक बार फिर से सरगर्म है। जिले की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नाम पर सपा के खेमे में सबसे ज्यादा हलचल है। यहां पार्टी का एक गुट आजम के किसी करीबी को मैदान में उतारने के खिलाफ है। पार्टी नेताओं के मन की बात अब खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं आजम खान का परिवार खामोश है। ना तो आजम कुछ बोल रहे हैं और ना ही उनके बेटे और स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम। ऐसे में सस्पेंस बढ़ता जा रहा। रामपुर में फिर एक बार उपचुनाव का ऐलान हुआ और सियासी सरगर्मी तेज हो गई। करीब 40 दिन बाद रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ये सीट अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई थी और सवाल बड़ा ये है कि छोटे आजम की इस सीट पर सपा का प्रत्याशी कौन होगा। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता जाने के बाद अब उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के खेमे में ही अब प्रत्याशी को लेकर के अपने अपने बयान और दावे शुरू हो गए हैं। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और अंदर ही अंदर आजम खान के खिलाफ नई सियासी बगावत ने रंग ले लिया। सपा के नेता मशकूर अहमद मुन्ना पिछले लंबे वक्त से आजम के खिलाफ खड़े हैं। आजम ने जब पिछले दो उपचुनाव में अपने करीबी आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया था, तब भी उन्होंने इस बात का विरोध किया था और एक बार फिर स्वार सीट पर उपचुनाव से पहले मोर्चा खोल दिया है। देखिए, पहले वही बात आई है, यदि प्रत्याशी उनके घर का आएगा या उनकी पसंद का आएगा, जैसे उनकी पसंद रही है आसिम राजा जैसे लोग हैं, वीरेंद्र गोयल जैसे लोग हैं, तो फिर जमा जब प्रजा की पार्टी की कौन आएगा। ये हमने मांग की है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि जनता का आदमी लाएं, जनता के बीच का आदमी लाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पसंद का आदमी लेकर आएँ। यदि फिर आजम खान साहब पे छोड़ा पार्टी का प्रत्याशी, तो फिर पार्टी की हार होगी। पिछले दो उपचुनाव में आजम को तगड़ा झटका लगा है। दोनों ही बार अखिलेश ने आजम को फ्री हैंड दिया था, लेकिन आजम कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए। ऐसे में अखिलेश भी नहीं चाहते होंगे कि रामपुर से कोई ऐसा संदेश बाहर जाए जिससे मुस्लिमों के मन में सवाल पैदा हो। अब सबकी नजर इस बात पर है कि स्वार सीट से सपा के किस सिपाही को मैदान में उतारा जाएगा। रामपुर में आजम खान दो उपचुनाव में अपनी पसंद के प्रत्याशी आसिम राजा को खड़ा करके समाजवादी पार्टी की दोनों सीटें गंवा चुके हैं। यानी पहले लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया और चुनाव हार गए। दूसरी बार विधानसभा उपचुनाव में आजम खान ने आसिम राजा को फिर से प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी में बगावत आजम खान के खिलाफ शुरू हो गई है। स्थानीय सपा नेता मशकूर अहमद मुन्ना ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर आजम के किसी करीबी को सपा टिकट देती है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अब नजरें अखिलेश पर हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।